रूस यूक्रेन युद्ध में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बहराइच छात्र की सकुशल वतन वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल है। बहराइच के जरवल सपसा निवासी मनोज कुमार सिंह का पुत्र शिवेंद्र सिंह भी रूस यूक्रेन युद्ध में जिफरोजिया में फंस गया था। परिजनों ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में मेडिकल की पढ़ाई करने गए जरवल कस्बा निवासी शिवेंद्र सिंह भारत सरकार की मदद से सकुशल घर वापसी से बेहद खुश हैं। बेटे की सकुशल वतन वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। शिवेंद्र की माता शैला सिंह, पिता मनोज कुमार सिंह, बहन रूपाली सिंह और चाचा कौशल किशोर सिंह ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बच्चा हमारा वापस आ गया, हमको बहुत महान खुशी हुई। हम मोदी सरकार के आभारी हैं। वहाँ हमेशा भय का माहौल है सर, वहाँ पे फाइटर प्लेन ऊपर से निकलते हैं तो लगता है सर अब कहीं भी हमला हो सकता है। जैसे हम लोग वहाँ बंकरों में छुपे बैठे रहते थे, सायरन बजता था, हम भाग के बंकर में जाते थे, फिर आते थे खाना वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हम पहुँच नहीं पाते थे खाना बनाने के लिए या खरीदने के लिए कोई चीज़ें, क्योंकि तुरंत फिर सायरन बज जाता था, हमें तुरंत फिर भाग के जाना पड़ता था। सर अभी जिस दिन ये मीटिंग वगैरह हुई है, फिर उस दिन हमें मौका मिला निकलने को, हमारी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइज़ जारी की कि उस दिन हम निकल के बॉर्डर की तरफ जाएं। सर फिर हम लोगों ने उस दिन ट्रेन पकड़ के सर हम लोग पहुंचे बॉर्डर की तरफ। फिर वहां सर टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने में, करीब 50-60 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उधर हमें इंडियन एम्बेसी काफ़ी मदद मिली। इंडियन एम्बेसी ने हमें उधर होटल में रोका, फिर वहाँ खाना वगैरह खिलाया, फिर फ्लाइट की सहायता से हमें वापस भेजा दिल्ली। फिर दिल्ली में हमें रोका गया यूपी भवन में, वहाँ खाना वगैरह खिलाया गया, फिर हमें वहाँ की निजी गाड़ियों से हमें घर तक भेजा गया। सर कैसे हालात हैं यूक्रेन के? सर हालात सर आप तो प्रत्येक व्यक्ति हैं, आप वहाँ पे थे। सर हालात वहाँ सर दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं सर। बहराइच से फराज अंसारी की ब्यूरो रिपोर्ट।